वीडियो में दिख रहा कार्गो शिप अपने इंजन्स को स्टार्ट किए बिना सिर्फ एक पतंग के सहारे अटलांटिक ओशियन में ट्रेवल कर रहा है। जी हाँ गाइस, इस जहाज के आगे लगी ये पतंग 250 स्क्वायर मीटर की है, जो पानी से 200 मीटर ऊपर उड़ते हुए एक विशाल मालवाहक जहाज को समंदर के पार ले जाने में मदद तो कर ही रही है। साथ ही ये पतंग हवाओं की हेल्प से बिजली का उत्पादन भी कर सकती है। और तो और, ये तकनीक कार्गो शिप्स में ईंधन खपत कम कर कार्बन उत्सर्जन में औसतन 20% तक की कमी ला सकती है। खैर, इसके डिजाइन को देखे तो एक बड़ी पतंग को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होने वाले वायर से जोड़कर जहाज के अगले हिस्से में इंस्टॉल किया जाता है। और चूंकि ये सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है, तो पतंग को लॉन्च और रिकवर करने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होती है। जबकि इस आसान तकनीक का उपयोग कर जहाज एक हाइब्रिड वाहन में बदल जाता है, जो तेल या हवा दोनों से चल सकता है।